देखिए नज़दीक से कितना बढ़िया प्रिंट आया, और गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, आप सबका स्वागत है। आज के ब्लॉग में कुछ खास है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि टी शर्ट प्रिंटिंग के तीन प्रकार जो मैं करता हूँ वो आपको मैं कभी ना कभी दिखाऊंगा। आज वो ही वक्त आ गया है, आज के दिन आपको मैं वो वीडियो दिखाऊंगा। वो कौन कौन से तीन टाइप के प्रिंटिंग होते हैं वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। तो इस चैनल में जो नए हैं उनको एक चीज़ कहता हूँ, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये अंत तक वीडियो देखिए, बहुत यूज़फुल वीडियो है ये। और तीन कौन से टी शर्ट प्रिंटिंग के प्रोसेस है। सबसे पहला स्क्रीन पेंटिंग जो चीप एंड बेस्ट है, सेकंड सब्लिमेशन प्रिंटिंग, और थर्ड ये DTF प्रिंटिंग। ये चीज़ क्या है और कैसे प्रिंट होता है वो आज आप जानोगे इस ब्लॉग में। तो शुरुआत करते, चलो स्टार्ट करते। तो गैस ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो इसे मैं दो हिस्से में बांटा हूँ। आज के वीडियो में आपको मैं स्क्रीन पेंटिंग के बारे में बताऊँगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्लिमेशन और DTF के बारे में बताऊँगा। आप ये पूरा वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा। ये देते हैं तो आपको कभी भी कोई भी चीज़ का ऑर्डर है, जैसे कि लेटरेड, विजिटिंग कार्ड, टी शर्ट्स प्रिंट करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सब्लिमेशन मग भी हम प्रिंट करते हैं, तो आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो प्रिंट करके तो हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और मेरा ईमेल आईडी तो आपके पता ही है, v2yblog22@gmail.com। आप उसमें भी मुझे आप ऑर्डर दे सकते हो, तो ज़रूर दीजिए। आपको सबसे पहला प्रोसेस स्क्रीन पेंटिंग, मगर उससे पहले एक चीज़ आपको मैं कहना चाहता हूँ, ये तीनों चीज़ के लिए एक चीज़ कॉमन है, वो है ये हीट प्रेस। ये हीट प्रेस से और क्या कॉमन है, कैसे ये प्रोसेस काम करता है, मैं आपको पूरा पूरा वीडियो दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हीट प्रेस को प्रेस ऑन करते, और यहाँ से ऑन, ये यहाँ पे ऑन, इसका टाइमिंग सेट करते, मैं टाइम सेट कर ले लेता हूँ। यह भी सेट हो चुका है, चलिए इसको सेट होने देते, टाइमिंग टेम्परेचर सेट होने देते, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ टी शर्ट प्रिंटिंग को दिखाता हूँ। ये है स्क्रीन और इसमें मैंने सब सेट करके रखा है, और ये कैसे काम करता है आपको मैं दिखाता हूँ टी शर्ट प्रिंटिंग का, ठीक है। गाइस मेरा सेटअप रेडी है, स्क्रीन अपना रेडी है, ये उसका कलर, अब ब्लैक टी शर्ट पे हम लोग वाइट कलर मारेंगे, और ये उसका मिक्सिंग करने का प्रोसेस। और यहाँ पे ये हमारा टी शर्ट, ये ब्लैक टी शर्ट है, आज इस पर हम आपको प्रिंटिंग करके दिखाएंगे कि कैसे होता है ये प्रिंटिंग, ठीक है। तो सब टी शर्ट सेट करते, तो पहले टी शर्ट डालते अपन, प्लेसमेंट करने का, कहाँ पे प्रिंटिंग करना है ये। अभी हम अपने ये जो कलर है उसे अपनी स्क्रीन में डालते हैं। स्क्रीन में कलर डाल चुके, अब एक वेस्टेज मार के देखते कि प्रिंट कैसा होता है, प्रॉपर रहा फिर टी शर्ट पे अपन प्रिंट करना। उससे पहले एक वेस्टेज मारना ज़रूरी होता है कि देखना चाहते हैं कि प्रिंटिंग बरो होता है कि नहीं, सब सही रहा तो फिर टी शर्ट पे प्रिंट करेंगे। ओके सब कुछ सही है,
अभी यही चीज़ टी शर्ट पे प्रिंट करते हैं। अभी एक प्रिंट हो चुका है, अभी इसे एक थोड़ा सा ड्रायर से सुखाया जाता है। ये हीट गन है और इसे अभी हम लोग सुखाएंगे। इसको 2 से 3 कोट मारा जाता है। अभी 1 कोट मारा हुआ है, अभी और 2 कोट मारेंगे। तो उससे पहले उसको हीट ड्रायर से सुखाना पड़ता है। अभी ये दूसरा कोट चल रहा है। अब जितना कोट प्रिंट करोगे उतना ही वो बढ़िया प्रिंट उभर के आता है टी शर्ट पे, और स्पेशली डार्क फैब्रिक पे तो 2 से 3 कोट मारना ज़रूरी है, जिससे वो इफ़ेक्ट अच्छा आता है। देखिए पहला स्ट्रोक से अच्छा अभी दूसरा स्ट्रोक आ रहा है। इसको फिर से सुखाया जाएगा इसको। फिर ये लास्ट स्ट्रोक, अब ये टी शर्ट प्रिंट करके रेडी हो चुका है। अभी इसको सुखाने के लिए वो हीट प्रेस का इस्तेमाल होता है, तो आपको ले चलते हैं वहीं पे सुखाने। टी शर्ट प्रिंट करके तो हो चुका है, आप देख सकते हो कितना बढ़िया प्रिंटिंग आया है। दिखाता हूँ आपको मैं, देखिए नज़दीक से कितना बढ़िया प्रिंट आया, और ब्लैक पे वाइट कितना उभर के दिख रहा है। ये प्लास्टिक सोल इंक है, ये ऐसे ही अपना सूखता नहीं है, तो इसके लिए वो हीट प्रेस का ज़रूरी है। तो आपको मैं ले चलता हूँ हीट प्रेस की उधर, और ये प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। अपना हीट प्रेस अभी रेडी है, और ये टी शर्ट मैंने यहाँ प्लेस किया है, और इसमें अभी एक टेफ्लॉन शीट जो पेपर होता है वो रखेंगे हम लोग, जिससे उस टी शर्ट को कोई इफेक्ट ना हो हीट का। और ये हम टी शर्ट हीट प्रेस करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। 30 सेकेंड दिया उसको सुखाने के लिए। जब एक बार 30 सेकेंड हो जाएगा तो ये टी शर्ट कंप्लीट रेडी हो जाएगा पहनने के लिए, और ये कलर जल्दी निकलेगा नहीं। कम से कम 50 से 60 वॉश तक ये टिकता है ये प्लास्टिक सोल। डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का प्लास्टिक सोल कलर यूज़ करते हो। मैंने अभी तक यूज़ किया, अभी तक तो कोई कंप्लेंट नहीं आया मुझे। बेस्ट क्वालिटी का इंक यूज़ करता हूँ मैं, और ये रेडी हो चुका है। इसे आइए बंद करते हैं बीप को, और ये अपना टी शर्ट रेडी हो चुका है। वाओ बहुत बढ़िया है दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको ये टी शर्ट? अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाँ बढ़िया प्रिंट आ गया। अभी ये सूख के रेडी हो चुका है पहनने के लिए। अभी थोड़ा गर्म है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको पहन सकते हैं हम लोग। मैं आपको पहन के दिखाता हूँ ये टी शर्ट कितना बढ़िया है। सो गाइस टी शर्ट रेडी हो गया प्रिंट करके, और मैंने अभी पहना वही टी शर्ट, देखिए कितना बढ़िया प्रिंटिंग है। आपके सामने मैंने लाइव प्रिंटिंग करके दिखाया है, कैसा लग रहा है आपको ये भी प्रिंटिंग? बहुत बढ़िया है ना।